अब हम प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पर प्रॉब्लम्स। तो इसमें एक बात जानना होगा कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी चेक कीजिए, तब तो कोई बात नहीं, उसी पॉइंट पर देखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंसीबल, या एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल, तो हमको पहले डाउटफुल पॉइंट्स खोजना पड़ता है। और डाउटफुल पॉइंट कैसे खोजते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू ए, कंटिन्यूटी इज ए डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। कब होगा? जब ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू, ए के राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू और ए पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों अलग अलग हो या कम से कम दो इसमें से अलग अलग हो, तो हमको ये ए पॉइंट क्या होगा? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के लिए डाउटफुल पॉइंट होगा, यानी ए पर हमको चेक करना होगा। अब आते हम प्रॉब्लम्स पर। तो क्वेश्चन नंबर वन, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? एफएक्स दिया हुआ है, एफएक्स दिया हुआ है एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0। हमको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना है 0 पर। एफएक्स का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी 0 पर देखना है। तो दो अप्रोच है। एक अप्रोच है कि कंटिन्यूटी पहले देख लें, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं होगा। हमने बताया था रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, याद रखने के लिए कहा था कि कंटिन्यूअस मतलब पास और डिफरेंसिबल मतलब फर्स्ट डिवीजन। तो दो अप्रोच होता है, दोनों कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी दोनों चेक करना होगा। तो दो अप्रोच होता है। एक अप्रोच हुआ कि कंटिन्यूटी हम चेक कर लें, कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंसिबल भी नहीं होगा, डिफरेंसिबिलिटी चेक नहीं करना होगा, लेकिन कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंसिबिलिटी चेक करना होगा। एक दूसरा अप्रोच होता है कि पहले हम डिफरेंसिबिलिटी चेक कर लें, अगर फंक्शन डिफरेंसिबल हो गया तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करना होगा, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, और अगर फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी चेक करना होगा। इसमें भी एक और बात है, अगर फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ गया लेकिन फाइनाइट आ जाए, तो भी हमको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना होगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, वो दोनों डेरिवेटिव इक्वल आवे या ना आवे। तो यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स 0 से छोटा पर भी यही फंक्शन लेना है, एक्स 0 से बड़े पर भी यही लेना है। तो हम पहले दोनों चेक करते हैं, कंटिन्यूटी भी डिफरेंशियलिटी भी, फिर देखेंगे कि केवल डिफरेंशियलिटी चेक करने से हो सकता है कि नहीं। और एक बात कि कंटिन्यूअस जब फंक्शन हो जाए तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी डिफरेंशियलिटी देखा जाता है, हम आगे के एग्जाम्पल में इसको कंसीडर करेंगे। तो यहां हम कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या करना होगा? एफ एक्स का लिमिट निकालना होगा एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, और एफ एक्स का वैल्यू 0 पर निकाला। 0 पर एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 में क्या होगा, एक्स 0 से छोटा, और राइट हैंड में एक्स 0 से बड़ा, और फंक्शन दिया हुआ एक्स साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड में भी यही फंक्शन लेना है और राइट हैंड में भी यही लेना है। यहां दोनों लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 हम निकाल रहे हैं, तो एक्स एफ एक्स क्या है, एक्स टेंस टू 0 का मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0, नॉट 0 पर एफ एक्स क्या है, एक्स साइन 1/x, ये एक्स टेंस टू 0। अब इसका लिमिट क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं
इस लिमिट को ऐसा लिखते हैं जो कि गलत है, साइन वन बाई एक्स बाई वन बाई एक्स इसको लिखा जा सकता, इस स्टेप में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको लोग कहते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट वन हो गया। नहीं, साइन थीटा बाई थीटा होने से लिमिट वन नहीं होता है, साइन थीटा बाई थीटा हो और थीटा टेंस टू जीरो हो तब लिमिट वन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा बाई थीटा होने से लिमिट वन नहीं होता है, साइन थीटा बाई थीटा हो और थीटा टेंस टू जीरो हो। यहाँ साइन थीटा बाई थीटा तो है लेकिन ये थीटा के जगह पर वन बाई एक्स है और वन बाई एक्स जीरो नहीं टेंड कर रहा, एक्स जब जीरो टेंड करेगा तो वन बाई एक्स एक्चुअली इन्फिनिटी टेंड करेगा, प्लस भी कर सकता है, राइट साइड से जीरो टेंड कराइएगा तो प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड से टेंड कराइएगा जीरो तो माइनस। ये साइन थीटा बाई थीटा हुआ लेकिन ये थीटा इन्फिनिटी टेंड कर रहा इसलिए ये लिमिट वन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कि हम जानते हैं कि एग्जैक्टली जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी भी कहीं आ जाए तो जीरो, लेकिन टेंस टू जीरो इंटू इन्फिनिटी हो तो ये इनडिटर्मिनेट कहलाता है, यानी यहाँ लिमिट नहीं निकला, हमको लिमिट निकालना होगा, आगे बढ़ना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा तब निकल। लेकिन टेंस टू जीरो इंटू फाइनाइट नंबर आ जाए तो ये लिमिट जीरो, ये टेंस टू जीरो हो गया, यानी इसका लिमिट कहीं भी टेंस एक फैक्टर जीरो टेंड करे और दूसरा फैक्टर कोई फाइनाइट नंबर टेंड करे तो लिमिट जीरो हो जाएगा। यहां वही है, यहां एक्स टेंड कर रहा जीरो और साइन वन बाई एक्स तो फाइनाइट नंबर आएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा कितना भी बड़ा हो इन्फिनिटी भी क्यों ना टेंड करे ये फाइनाइट नंबर आएगा, लाइन बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो ये लिमिट हो गया, ये लिमिट हो गया जीरो, क्यों जीरो हो गया, सिंस साइन थीटा साइन वन बाई एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, देयरफॉर साइन वन बाई एक्स इज ए फाइनाइट नंबर। ये फाइनाइट नंबर होगा, अलग अलग होगा लेकिन फाइनाइट ऑलवेज आएगा, एक्स साइन थीटा ऑलवेज फाइनाइट होता, तो टेंस टू जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, टेंस टू जीरो इंटू टेंस टू ए फाइनाइट नंबर का लिमिट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। तो यहां लिमिट जीरो है और जीरो पर फंक्शन का वैल्यू भी जीरो है, इसलिए गिवन फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस हो गया, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब हम डिफरेंशियबिलिटी एग्जामिन करते हैं, एफ एक्स का जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी, एफ डैश जीरो हम जानते हैं, एफ डैश ए, ए पर डेरिवेटिव क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए से, और ये क्या होता है लिमिट के टर्म्स में, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच का लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, फ्रॉम राइट कर देंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां हम लेफ्ट राइट अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, तो जीरो पर डेरिवेटिव, ए पर डेरिवेटिव हमने लिखा है, जीरो पर डेरिवेटिव ए के जगह पर जीरो रखिए, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, एच टेंस टू जीरो, हम लेफ्ट राइट अलग अलग नहीं कर रहे हैं, इसमें जरूरत नहीं है, एफ जीरो प्लस एच क्या हुआ, जीरो प्लस एच तो एच होगा और एफ जीरो जीरो दिया हुआ है तो ये क्या आ गया, एच टेंस टू जीरो, दिस इज इक्वल टू एफ एच बाई एच, एच टेंस टू जीरो, और एफ एच क्या दिया हुआ है, एफ एच यहां दिया हुआ है एच साइन वन बाई एच, तो ये हो गया एच साइन वन बाई एच का लिमिट एच बाई एच, एच टेंस टू जीरो, ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया वन बाई साइन वन बाई एच, एच टेंस टू जीरो। अब ये साइन वन बाई एच का लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइनाइट आएगा लेकिन यूनिक नहीं आएगा, अलग अलग आ जाएगा, तो लिमिट अगर यूनिक नहीं आवे तो हम क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट ऑल्दो इट विल बी ए फाइनाइट नंबर, एज इट विल बी
फाइनाइट बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक, इट विल बी फाइनाइट बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आएगा, यूनिक नहीं आएगा ये लिमिट, कभी वन आ जाएगा कभी जीरो आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डेरिवेटिव इस लिमिट के बराबर है और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, हेंस एफएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, चॉइस नंबर ए करेक्ट हुआ। अब यहां इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि साइन वन बाई एच का लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन वन बाई एच का लिमिट एच टेंस टू जीरो ये फाइनाइट तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम यहां इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि साइन वन बाई एच एच टेंस टू जीरो लिमिट फाइनाइट तो आएगा लेकिन यूनिक नहीं आएगा। हम नोट करके इसको लिखते हैं, साइन वन बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट में सब्स्टिट्यूशन अलाउड है, अगर हम एक्स के जगह पर वन बाई एन पाई रख दें तो ये एन पाई हो जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे एक्स वन बाई एन पाई ले रहे हैं और एन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, वेन एन वेन एक्स टेंस टू जीरो एन नेचुरली इन्फिनिटी टेंड करेगा, एक्स जीरो कब टेंड करेगा जब एन इन्फिनिटी, वेन एक्स टेंस टू जीरो एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये साइन एन पाई हम जानते हैं कि जीरो होता है, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई जीरो, तो ये लिमिट आ गया जीरो। अगर हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन करें, एक्स के जगह पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स के जगह पर वन अपॉन टू एन पाई प्लस पाई बाई टू रखते हैं, जहां एन नेचुरल नंबर है और ये क्लियर है कि एक्स जीरो होगा जब एन इन्फिनिटी होगा, तो ये आ गया साइन टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, और साइन टू एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, और साइन पाई बाई टू क्या होगा, वन। हम देख रहे हैं कि एक्स जीरो टेन करा रहे हैं डिफरेंट तरह से, सब्स्टिट्यूशन अलाउड है लिमिट में, एक्स जीरो टेन कर रहा है दोनों ही केस में, लेकिन लिमिट आ रहा है जीरो एक बार वन, लिमिट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा, फाइनाइट आ रहा लेकिन डिफरेंट आ रहा, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इसके साथ एक फैक्टर रहता, इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाता टेंडिंग टू जीरो, तो टेंस टू जीरो इंटू फाइनाइट नंबर का लिमिट क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो इंटू टेंस टू ए फाइनाइट नंबर, तो जीरो हो जाता। ये अलग अलग है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई जीरो आ जाएगा, फाइनाइट नंबर हो अलग अलग है लेकिन इंटू जीरो होता, यानी एक और फैक्टर इसमें रहता टेंडिंग टू जीरो, तो ये लिमिट जीरो हो जाता। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर टू। यहां दिया हुआ है एफ एक्स गिवन, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी एग्जामिन करना है जीरो पर। तो हमने कहा था कि दो अप्रोच होता है, कंटिन्यूटी एग्जामिन कर लें और उसके बाद डिफरेंशियलिटी एग्जामिन करें, लेकिन कंटिन्यूटी एग्जामिन करके डिफरेंशियलिटी जो एग्जामिन करते हैं उसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं और वही इजियर भी होता है। लेकिन अगर एक जीरो पर चेक करना है और फंक्शन में वन बाई एक्स इन्वॉल्व हो, एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है और फंक्शन में वन बाई एक्स इन्वॉल्व हो, तो कंटिन्यूटी चेक करके डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने वाला मेथड सुटेबल नहीं होता, ऐसे उससे भी बनेगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करें। कहां पर अवॉइड करें, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी दोनों चेक करना हो तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लिया और डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। लेकिन ये मेथड कहां पर हम अवॉइड करेंगे, अगर जीरो पर एग्जामिन करना है
और फंक्शन में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एग्जामिन करना है और फंक्शन में 1 बाई एक्स इन्वॉल्व हो, तो इस मेथड को हम अवॉइड करेंगे। उसमें हम लोग पहले डेरिवेटिव चेक कर ले सकते हैं डेरिवेटिव लिमिट के टर्म्स में। तो यहाँ हम एक्स जीरो पर चेक करना है, 1 बाई एक्स इन्वॉल्व है, तो कंटिन्यूटी चेक करके डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने वाला मेथड सुटेबल नहीं होगा, इसलिए हम पहले डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियलिटी एफ एक्स का चेक कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, एच टेंस टू जीरो। यहां हम लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स जीरो से छोटा और एक्स जीरो से बड़ा दोनों केस में, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स जीरो से बड़ा और एक्स जीरो से छोटा दोनों केस में एफ एक्स यही लेना है। तो एफ जीरो प्लस एच क्या है, एफ एच हुआ, और एफ जीरो तो जीरो दिया हुआ है और एफ एच क्या हो गया, एच स्क्वायर, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एच, तो एफ एच हो गया एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, एच टेंस टू जीरो, ये एक डिवाइडेड बाई एच, एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो। और अभी हमने बताया था कि टेंस टू जीरो इंटू फाइनाइट नंबर है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन वन बाई एच इज ए फाइनाइट नंबर लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो टेंस टू जीरो के साथ फाइनाइट नंबर, टेंस टू जीरो एग्जैक्टली जीरो इंटू इंफिनिटी जीरो होता है, टेंस टू जीरो इंटू इंफिनिटी आ जाता तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता, लिमिट यहां नहीं निकलता, आगे प्रोसीड करना पड़ता। लेकिन टेंस टू जीरो इंटू फाइनाइट नंबर है तो लिमिट जीरो हो गया। तो डेरिवेटिव एफेक्ट्स का जीरो आ गया, यानी एफेक्ट्स जीरो पर डिफरेंसिबल है और हम जानते हैं कि डिफरेंसिबल होने पर कंटिन्यूस भी होता है। तो फाइनल कंक्लूजन, हेंस एफेक्ट्स इज डिफरेंसिबल एंड कंटिन्यूस एंड ऑल्सो कंटिन्यूस एट x is equal to 0. Function is differentiable as well as continuous at x is equal to 0. तो ये answer choice number C होगा। Function continuous भी है और different